सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एवोल्यूशनरी में उसने बात, ये ना सबसे पुराना एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है ना, सबसे पुराना सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है। इसमें क्या ये कॉन्सेप्ट बेस करता है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा जो है, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन से मुराद के आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो कॉमन सी बात है, हो रही है। आज से 20 साल पीछे चले जाए तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, और आज देखें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो ग्रोथ हुई ना, डेवलपमेंट हुई ना, इसी के ऊपर हमारा जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है बात कर रहा है। और जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ना, वो मोस्टली बेस करता है किसके ऊपर, पास्ट पे और बिगनिंग के ऊपर। वो कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज को देखना है ना, उसकी आप पास्ट में चले जाएं, उसकी बिगनिंग में चले जाएं, तो आपको उसका चीज का पता चल जाएगा, उस सोसाइटी का, उस कल्चर का, उस पर्सन का पता चल जाएगा। अभी देखें, एक रिसेंट रिसर्च हुई है, उसमें वो कहते हैं कि जो यंग पर्सन है ना, वो ज्यादा उनके अंदर जो फियर है, डर है, वो ज्यादा किन से, स्नेक हो गया, स्पाइडर, जो मकड़ी वगैरह है, लॉयन, टाइगर, इनसे जो यंग लोग है ना, जो जवान है, जो एज में ज्यादा, वो ज्यादा डरते हैं इन चीजों से, ठीक है। इनकी बनिस्बत जो छोटे बच्चे हैं, वो इन चीजों से डरते नहीं है। तो अभी देखिए रिसर्च की गई, पता चला क्यों, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं इनसे डरना है। जब वो बड़े होंगे, उनके माइंड में फीड कर दिया जाएगा कि ये जो लॉयन है इससे आपने डरना है, जो स्नेक है इससे डरना है, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक है, ये आपको मारेगा तो आप मर जाएंगे। तो ये एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी जो है ना, वो इसी के ऊपर बात करता है कि जो भी हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में हमारा बिहेवियर है, हमारी थिंकिंग है, हमारा चीजों को फील करने का जो अंदाज है, वो सारा हमें हमारी बिगनिंग से, हमारे पास से आहिस्ता आहिस्ता मिला है। जैसी हमारी कंडीशनिंग हुई है, वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है।